चलिए कुलदीप, अब मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन में जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है। तो अगर हम मतलब बात करें जावा की कंसेप्ट की, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऊप्स के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था कि ऊप्स की ये तीन की पिलर होते हैं, PIE, ठीक है ना। P स्टैंड फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, I इनहेरिटेंस एंड E स्टैंड फॉर इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमने इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसको हमने उल्टा पढ़ना है, पहले E पढ़ना है, फिर I पढ़ना है, देन P पढ़ना है। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इनकैप्सुलेशन जस्ट कुछ नहीं होता है, रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर है ना विद मेंबर फंक्शंस, राइट। हाँ, तो डेटा मेंबर को मेंबर फंक्शन के साथ रैप करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम जावा के अंदर बेसिकली बनाते हैं जावा बीन क्लास। तो जावा बीन क्लास जो होती है वो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारी इनकैप्सुलेशन का। तो अगर इनकैप्सुलेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम जावा बीन क्लास बना देंगे। और जावा बीन क्लास हमारी परफेक्टली चल रही है, तो मतलब इनकैप्सुलेशन हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो और जावा बीन क्लास क्या होती है, जिस क्लास के अंदर बहुत सारे मैंने फीचर्स बताए थे कि क्लास पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट डेटा पब्लिक सेटर गेटर मेथड होना चाहिए, क्लास के अंदर डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, बट किसी स्पेसिफिक क्लास या इंटरफेस को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट ना करे। और साथ ही साथ एक फीचर वहाँ पर और आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि वो पैकेज के अंदर होना चाहिए, राइट। और पैकेज क्या कंसेप्ट होता है ये हम आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनकैप्सुलेशन में पढ़ लेते हैं, तो इनकैप्सुलेशन तक का जो हमारा एक जर्नी था, उस जर्नी में हमने एक क्लास के बाउंड्री के अंदर रह के सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था, यानी कि क्लास के अंदर ही रह के हमने सारी चीज़ें बना लिया था। बट अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हम क्लास के बाहर जाएँ और क्लास के बाहर चीज़ों को रीयूज करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बेसिकली इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड है, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है रीयूजबिलिटी, ठीक है। RESUVALITY, ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये रीयूजबिलिटी, तो रीयूजबिलिटी का क्या मतलब होता है आप बताइए, यहाँ पे रीयूजबिलिटी का क्या मतलब होता है। रीयूजबिलिटी का मतलब, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, जिसे बार बार यूज करें, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई रियल वर्ल्ड में आप एग्जांपल बताओ जहाँ पे आप रीयूजबिलिटी परफॉर्म करते होगे। अगर आप रियल वर्ल्ड के किसी एग्जांपल से चीज़ों को समझते हो, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था चीज़ें आपको बहुत बेटर तरीके समझ में आएंगी। तो अगर हम रीयूजबिलिटी को रियल वर्ल्ड से रिलेट करें, जैसे हम इनकैप्सुलेशन को रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन को रियल वर्ल्ड से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भैया जैसे हमारे पास एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर है ना बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, राइट। अगर हम एक जैसे सपोज करो कि मैंने मुझे बुखार हुआ, राइट, मुझे खांसी हुई, ठीक है, तो मैं बुखार का अलग दवा खा रहा हूँ, खांसी का अलग दवा खा रहा हूँ। और अगर हम इनका अलग अलग दवा नहीं लेकर हम एक सिंगल कैप्सूल ले लें जिसके अंदर सारी चीज़ों का मिक्सचर हो, दैट इज़ बिकम ए इनकैप्सुलेशन, मतलब रैपिंग बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर। तो बिल्कुल उसी तरह से हम रीयूजबिलिटी को भी रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। रीयूजबिलिटी देखिए, मैं रियल वर्ल्ड में आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे जैसे सपोज करो कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, आपका बैटरी डिस्चार्ज जाता है, तो आप क्या कर लेते हो, फिर से उसे चार्ज कर लेते हो, यानी कि रीयूज कर लेते हो, करते हो नहीं करते हो। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है डिस्चार्ज, ऐसा नहीं कि ना बैटरी उठा के फेंक दिया फिर से रीयूज कर लिया, ठीक है। तो और अच्छा, जैसे गैस का सिलेंडर है ख़त्म हो जाता है, फिर से उसे आप रिफिल कर लेते हो, है ना। और ऐसे जैसे आपका अगर पेन का इंक ख़त्म हो जाता है तो उसको आप फिर से रिफ़िल कर सकते हो, उसके अंदर फिर से या तो नया इंक डाल सकते हो या दूसरा रिफ़िल उसके अंदर डाल सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ हमारे रीयूजबिलिटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जब भी हम रीयूजबिलिटी करते हैं उसका क्या पर्पज़ होता है, रीयूजबिलिटी करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, रीयूजबिलिटी रियल वर्ल्ड में करने का फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ें फिर से नई नई लेनी है ना। अगर बैटरी रोज़ ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, फिर नया बैटरी डिस्चार्ज होती है, नया बैटरी रोज़ लेना पड़े, तो कॉस्ट भी बढ़ेगा और डुप्लीकेसी भी होगी। डुप्लीकेसी इन द सेंस, अगर हमारे पास एक फ़ोन है और फ़ोन की बैटरी एक दिन चलती है और मुझे रोज़ बैटरी लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में बैटरी बैटरी इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे बैटरी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो मतलब कह सकते हो डुप्लीकेसी होगी, एम्बिग्यूटी होगी। तो रीयूजबिलिटी करने का जो फ़ायदा होता है, देखो रीयूजबिलिटी से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रीयूजबिलिटी से फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है ना, कम मेहनत करना पड़ जाता है। तो मतलब ऐसे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं जहाँ पे हम रीयूजबिलिटी करते हैं। तो जिस तरह से रीयूजबिलिटी हम रियल वर्ल्ड में करते हैं, है ना, कि पेन की इंक से लेके
गैस सिलेंडर तक, या हम शर्ट शर्ट भी यूज़ करते ही करते हैं, अगर एक बार गंदा हो जाता है तो फिर से उसे है ना पहनते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम ये बहुत सारी चीज़ें को मैंने आपको बताया रीयूजबिलिटी करते हैं, तो क्यों ना ये रीयूजबिलिटी हम कोड में करें। हम कोड में भी तो कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, ईएमपी क्लास है, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास एक डेटा है आईडी, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक आईडी है, एक नेम है, ठीक है, एक एज है, ऐसे बहुत सारे डेटा हैं, ठीक। अब एक दूसरी क्लास मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, से हमने कोई एक एम्प्लॉय के लिए दूसरी क्लास से हमने बना दिया मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर क्लास के अंदर सपोज करो, मैनेजर क्लास के अंदर अगर एक क्लास हमारा मैनेजर, एक क्लास एम्प्लॉय है, और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो अगर मैं मैनेजर के लिए भी आईडी और मैनेजर के लिए नेम और मैनेजर के लिए एज अलग से लूँ, मुझे बताओ, अगर मैं अलग से यहाँ पे भी लूँ और ऊपर भी मैंने लिया हुआ है, इससे क्या दिक्कत होगी बताइए ज़रा। इससे दिक्कत होगी, वेस्टेज होगा, कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी होगी, इसे बोलते हैं डेटा की एम्बिग्यूटी, ठीक है ना। तो इस एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीयूजबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। हम इस ईएमपी क्लास को मैनेजर के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है, या एसोसिएशन कर सकते हैं। एसोसिएशन या इनहेरिटेंस, ये दोनों तरीके होते हैं आपकी रियूजबिलिटी को अचीव करने के लिए। हाँ जी बताइए। तो पहले 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 हम ये समझते हैं कि हमारे पास रियूजबिलिटी के कितने तरीके हो गए। रियूजबिलिटी के दो तरीके हो गए, देर आर टू टू वेज, है ना, इन इन कोडिंग पॉइंट ऑफ रियूजबिलिटी ऑफ क्लास कोड, ऑफ क्लास कोड, ठीक है। किसी क्लास कोड को रियूज करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है ना, इनहेरिटेंस, और दूसरा होता है एसोसिएशन, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर ये इनहेरिटेंस होता क्या है, इसे क्या करते हैं, ठीक है, हम जानेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही जानो कि रियूज, इनहेरिटेंस या एसोसिएशन, ये दोनों जो कंसेप्ट होते हैं वो रियूजबिलिटी को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। हाँ, देयर आर टू वेज टू अचीव द रियूजबिलिटी। ठीक है, देयर आर टू वे टू अचीव द रियूजबिलिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा देखिए, रियूजबिलिटी को रियल वर्ल्ड में करने के बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। बट एक चीज़ हमें हमें समझना है, कोडिंग के अंदर ही समझ रहे हैं, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनहेरिटेंस एसोसिएशन करेंगे। बट एक चीज़ बताओ, जब भी आप रियूजबिलिटी करते हो तो रीयूज्ड कंपोनेंट और रीयूजेबल कंपोनेंट में एक रिलेशन होता है, नहीं समझे, बताता हूँ। हाँ, रीयूजेबल एंड रीयूज, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी फ़ोन की बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी को हम अपने फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो वो रीयूजेबल चीज़ हो गई, है ना, रीयूज्ड। अच्छा, अगर मान लो मेरे फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज जाता है तो इसको चार्ज करके क्या अपने फ़ोन में लगा सकता हूँ या दूसरे के फ़ोन में लगा सकता हूँ। मेरा एम आई रेड MI नोट 5 है, आपका नोकिया 5 है, नोकिया 6 है, तो क्या आप मेरे फ़ोन की बैटरी आप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो, नहीं ना। तो मेरे फ़ोन के बीच में और मेरी बैटरी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम रियूजबिलिटी कर रहे हैं, सपोज़ करो हम रियूजबिलिटी कर रहे हैं अपने किसी पेन की रिफ़िल की, तो वो रिफ़िल हर पेन में थोड़ी ना लगती है, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रीयूज्ड और रीयूजबल, जो रीयूज हो रहा है और जो रीयूज कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारा कपड़ा है भाई, तो हमारा कपड़ा हम रोज़ धुल के पहन रहे हैं, तो हमारा कपड़ा क्या कोई दूसरा भी पहन रहा है, क्या तुम भी पहन रहे हो, क्या हमारे फादर भी पहन रहे हैं, नहीं ना। अगर तो कहीं अगर हो सकता हो, मे बी चांसेस बन सकता है, बट रिलेशन होना चाहिए, मतलब उनको फिट आना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रियल वर्ल्ड में रिलेशन दो टाइप के होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में रिलेशन की बात करें, रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। रिश्ता दो तरह से होता है, एक रिश्ता होता है खून का, जिसे हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, और एक होता है नॉन ब्लड रिलेशन, राइट, होता ही नहीं होता है भाई। जैसे पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो एक ब्लड रिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है, और जो नॉन ब्लड रिलेशन है वो क्या हो गया हमारा, नॉन ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, जैसे एक स्टूडेंट का टीचर के साथ हो गया नॉन ब्लड, एक फ्रेंड फ्रेंड का जो रिलेशन होता है वो नॉन ब्लड रिलेशन हो गया। तो जिस तरह से, समझिएगा ध्यान से मेरी बात, जिस तरह से रिलेशन रियल वर्ल्ड में होते हैं वैसे कोडिंग में भी रिलेशंस होते हैं। कोडिंग में रिलेशन अगर हम बात करें तो कोडिंग में
उसी ब्लड और नॉन ब्लड रिलेशन में को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ब्लड रिलेशनशिप को दर्शाता है, और एसोसिएशन की बात करें तो ये नॉन ब्लड रिलेशन को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। इनहेरिट का मतलब होता है लेना, है ना, समझ में आ रहा है? इनहेरिट का मतलब होता है कि कहीं से उसको लेना, है ना, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मूव करना। इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर यूज करना, समझ में आ रहा है? तो हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे हमारे पेरेंट, मान लो हमारे पेरेंट के अंदर फीचर था कि वो गोरे थे तो हम भी गोरे हो गए, ठीक है ना। तो जिस तरह से उनकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फीचर्स जो है हमारे अंदर आती हैं, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। तो एक ब्लड रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इनहेरिटेंस वर्ड एक ब्लड रिलेशन को दर्शाता है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें इसे यूज करना चाहिए। और वहीं पे अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन का जो रिलेशन होता है वो एक नॉन ब्लड रिलेशन को दर्शाता है। जैसे हमने बोल दिया कि हमारा भाई एसोसिएशन कुलदीप के साथ हो गया, हमारा एसोसिएशन सचिन तेंदुलकर के साथ हो गया, विराट कोहली के साथ हो गया, राइट? तो वो एक एक क्या है, एक दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, राइट? तो एक नॉन ब्लड रिलेशन, जब भी बात एसोसिएशन की आती है, हम तो आई एम एसोसिएटेड विद दिस फैमिली, राइट? तो एसोसिएटेड मतलब जुड़ गए हैं, पहले तो नहीं थे, है ना, अब एसोसिएट हो चुके हैं, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन नहीं था, वो एक नॉन ब्लड रिलेशन था। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? तो देखिए, जिस तरह से रियल वर्ल्ड में ब्लड नॉन ब्लड रिलेशन होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इनहेरिटेंस एक ब्लड रिलेशन और एसोसिएशन एक नॉन ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात देखो यहाँ पे ये है कि एसोसिएशन इनहेरिटेंस को आप कोडिंग में भी समझे नहीं, बट इतना तो क्लियर हो गया ना कि ब्लड और नॉन ब्लड रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, DBMS की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रिलेशंस वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है, एक टेबल का दूसरे टेबल से, एक डेटा का दूसरे डेटा से रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डेटा का ही यूज करने वाले हैं, डेटा पे ही हम खेलने वाले हैं। तो अगर हम डेटा की रियूजबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे डेटा की अगर रियूजबिलिटी की बात करें, तो डेटा की रियूजबिलिटी में रियूजबिलिटी दो तरह की होती है DBMS के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है इज़ अ रिलेशन, है ना, इज़ अ रिलेशन, और एक होता हैज़ अ रिलेशन, हैज़ अ रिलेशन, याद रखिएगा आप, हैज़ अ और इज़ अ, ये दो टाइप के रिलेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस जो होती है वो एक इज़ अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और आपका एसोसिएशन जो होता है वो एक हैज़ अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? आपने कहा सर ये इज़ अ, और ये अगर आप डेटाबेस पढ़े हो, अगर DBMS पढ़े हो तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इज़ और हैज़ का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो एसोसिएशन होता है ये फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, इसके अंदर यानी कि 2.1 के अंदर, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। एसोसिएशन के दो पार्ट होते हैं, एसोसिएशन का पहला पार्ट होता है, एक होता है कंपोजिशन, ठीक है, और एक होता है एग्रीगेशन 2.2, एक होता है हमारा एग्रीगेशन, AGGIGATIO, ठीक है ना, एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये हमारा एसोसिएशन के दो पार्ट होते हैं, इनहेरिटेंस अलग कैटेगरी है, लेकिन एसोसिएशन दो कैटेगरी है। एसोसिएशन के आ गया अंदर आ गया एक कंपोजिशन और एक हो गया एग्रीगेशन, ठीक है। अच्छा, हम अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और ये जो होता है हमारा एक वीक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना आप कि हमारा जो रियूजबिलिटी होती है कोडिंग के अंदर वो दो टाइप की होती है, इनहेरिटेंस एसोसिएशन, इनहेरिटेंस इज द रिलेशन, एसोसिएशन एज अ रिलेशन। एसोसिएशन के दो पार्ट होते हैं, कंपोजिशन जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेशन जो कि वीक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपको रिलेशन यहाँ पे समझाना है तो कोई भी रियल वर्ड का एक एग्जांपल लेके आप उसे समझ सकते हो। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक व्हीकल होता है, ठीक है, अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, होती कि नहीं होती है? व्हीकल की स्पेलिंग सही है? हाँ, WECHILE होता है, ठीक है। तो अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की हमारी दो कैटेगरी होती है, व्हीकल मतलब ये दो कैटेगरी नहीं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे
मैं यहाँ पे पेंट के अंदर इसे समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे, ये हमारी कैटेगरी है, से यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, से हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है व्हीकल, ठीक है, व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल की हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक कैटेगरी मैं ऐसे एरो देके यहाँ पे बना रहा हूँ, एक कैटेगरी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, आप ऐसे ले सकते हो पेन के थ्रू, ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे पेन नहीं आता है क्या? ये है पेन, ठीक है, क्योंकि ये हमने इसके लिए कोई कलर चूज़ नहीं किया है, पेंट भी अपने आप में पूरा ही पेंट हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक व्हीकल, हो गया हमारा, जैसे हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल हमारा बाइक भी होता है, ठीक है। हाँ, टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर होता है, वो तो ठीक है, बट बाइक एक व्हीकल है ना। और अगर हम बात करें कार की, तो कार भी एक व्हीकल है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा बाइक, ये हो गया हमारा कार। तो कार और बाइक, अब मुझे बताओ कि इनमें क्या रिलेशन आपको दिख रहा है? कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अरे हम ऐसा, मैंने समझे नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइक इज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल, नहीं बोल सकते हैं? तो यही तो हमारा इज ही होता है। अगर हम इज ए बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, अगर हम इज ए करके बोल रहे हैं कि ये हमारा इज अ है, तो इसका मतलब ये इसकी कैटेगरी के अंदर आता है, समझ में आ रहा है? तो बाइक इज अ व्हीकल, कार इज, अब समझ में आया इज ए का मतलब क्या होता है? तो ये रिलेशन होते हैं हमारे, ये हमारे रिलेशन होते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉय और मैनेजर की, तो बताओ क्या एक मैनेजर एम्प्लॉय नहीं है? मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है, तो मैनेजर इज अ एम्प्लॉय बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो एक स्टूडेंट है, एक एड्रेस है, ठीक है, तो स्टूडेंट और एड्रेस के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ? हाँ, यस यस यस, यू आर राइट, हैज़ अ रिलेशन। तो उसी तरह से अगर हम बाइक की बात करें या कार की बात करें, तो कार के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाइक के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कार के पास जो चीज़ें होती हैं, उसको हम एक हैज़ अ रिलेशन के कैटेगरी में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे उसे मैंने उठा लिया, यहाँ पे उठा लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कार के पास क्या होता है। जैसे कार के पास होता है हमारा म्यूजिक सिस्टम, नहीं होता है? म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम हमारा एक हैज़ ए का पार्ट हो गया। कार हम बोल सकते हैं कि कार हैज़ अ म्यूजिक सिस्टम। तो जिस तरह से हम कार हैज़ अ म्यूजिक सिस्टम बोल रहे हैं, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं भैया कार हैज़ अ व्हाट, कार हैज़ अ इंजन, इंजन भी बोल सकते हैं कि इसके पास इंजन हो सकते हैं। अब मुझे बताओ कि म्यूजिक सिस्टम और कार, इन दोनों, या इंजन और कार के बीच में रिलेशन क्या हो गया? हैज़ ए का। अच्छा, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे बाइक बाइक इज़ अ व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं? नहीं, जब हम बाइक इज़ अ व्हीकल बोलेंगे, तो ये हमने गलत बना दिया था, ये हमने एरो, ये इस तरह से हमें नहीं लिखना चाहिए था, हमें, हम एरो ऐसे लगाएंगे। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि बाइक इज़ अ व्हीकल, तो यानी कि बाइक इज़ अ व्हीकल, यानी कि नीचे से हम ऊपर प्रोनाउंसिएट करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो टॉप टॉप से जब हम बॉटम जाते हैं, यहाँ से देखो, ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कार इज़ अ व्हीकल। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप होता है हमेशा क्या? इज़ अ, ये हमेशा याद रखना आप, इज़ अ रिलेशन, समझ में आ रहा है? टॉप से बॉटम, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, हाँ बॉटम से टॉप, मेरा दिमाग कहीं और था, ठीक है ना। तो बाइक इज़ अ व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल, यानी कि बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं। अच्छा, जब बॉटम से टॉप पे जाते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जनरलाइज, नहीं, इस चीज़ को हम एक और नाम देते हैं, जनरलाइजेशन, समझ आ रहा है? तो
जनरलाइजेशन, अगर जनरलाइजेशन आपसे पूछा जाए तो हमेशा हम बॉटम से टॉप की ओर मूव करते हैं, और अगर हम टॉप टू डाउन आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ना स्पेशलाइजेशन, समझ आ रहा है। और अगर हम बात करें कार इज कार कार हैज़ अ म्यूजिक सिस्टम, कार हैज़ अ इंजन, तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बताओ आप। कार इज अ सॉरी कार हैज़ अ म्यूजिक सिस्टम, कार हैज़ अ इंजन, तो जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, एक कंप्यूटर के लिए एग्जांपल ले सकते हो, कोई एग्जांपल बताओ आप, कोई भी और एक एग्जांपल बताओ, अपने दिमाग में सोचो कि ये हमारा इधर रिलेशन और हैदर रिलेशन की कैटेगरी में आ सकता है। व्हीकल तो मैंने बना ही दिया, इसको क्या बताओगे आप, ये हमारा हो गया हैज़ अ रिलेशन की कैटेगरी में। तब तक आप सोच लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हैज़ अ रिलेशन की कैटेगरी में आ गया, हैज़ अ रिलेशन, समझ आ रहा है। स्टूडेंट इज अ टीचर या टीचर इज अ स्टूडेंट, क्या इसमें कौन सा रिलेशन है? चलो आप सोचना, ठीक है, इस तरह से रिलेशन बना सकते हो ना। तो अब इज और हैज़ का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया। एक चीज़ और आप क्लियर करेंगे, अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन की फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक होता है कंपोजिशन और एक होता है एग्रीगेशन, होता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम और इंजन, ये जो म्यूजिक सिस्टम और इंजन है, ये दोनों हमारे कार की कैटेगरी में, यानी कि कार के पास ही आते हैं, बट ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बिना हमारा कार बेकार है, वो है इंजन। तो इंजन के बिना हमारा कार नहीं चल सकता है ना, तो वो हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया तो उसको हम बोल सकते हैं कंपोजिशन, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं कंपोजिशन। ऐसा हम बोल सकते हैं कि कार जो है वो कई चीज़ों से कंपोजिट होकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कंपोजिट वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात करेंगे, वीक रिलेशन की बात नहीं करेंगे, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन जब भी होगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब हो गया आपका वो रिलेशन जहाँ पे जिसके बिना हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट न चलने पाए। अगर हम म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे उसके बिना तो चीज़ें हो सकती है ना, पॉसिबल है नहीं है। म्यूजिक सिस्टम के बिना अगर हम एक कार को चलाएंगे तो पॉसिबल है, यानी कि कार के अंदर ये म्यूजिक सिस्टम एक वीक पार्ट हो गया, और जो वीक पार्ट हो गया तो उसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, आप आगे DBMS में अपना डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा जनरलाइजेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है ना, यूज़र रिलेशन क्या होता है, हैज़र रिलेशन, ये DBMS में पढ़ोगे। DBMS आपने अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है आपने अभी? तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपको एग्रीगेशन कंपोजिशन का एग्जांपल पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें, मेरा घर भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, बगल में जो ऑफिस है वो भी बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बिल्डिंग इज़ अ भाई स्कूल कैंपस भी एक बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम स्कूल कैंपस की बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे विंडोज़ लगे हुए हैं, बहुत सारे कर्टन लगे हुए हैं। तो जो हमारा विंडोज़ हो गया, कर्टन हो गया, ये हो गया हमारा एक एग्रीगेशन का पार्ट, वो हो गया वीक रिलेशन, है ना। लेकिन सर अगर पिलर्स की बात करें तो पिलर्स के बिना हमारा वो कैंपस जो है, स्कूल का कैंपस पूरा बेकार है, वो पिलर्स हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट, दैट इज़ कंपोजिशन पार्ट, जिस चीज़ के बिना हमारा काम ना चले हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जिस तरह से आपने रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें समझ लिया, कंपोजिशन को समझ लिया, एग्रीगेशन को समझ लिया, इनहेरिटेंस को समझ लिया, अभी इनहेरिटेंस को थोड़ी देर के लिए हम रोकते हैं और हम रीयूजबिलिटी के लिए सबसे पहले एसोसिएशन को समझते हैं, कोडिंग के अंदर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है एसोसिएशन, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं
कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, से हमने एक लिफ्ट में चलना है, एक लिफ्ट में ले लो, कहीं पे भी एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे अभी इसका प्रोग्राम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो प्रोग्राम आप बना सकते हो। मैं जस्ट एक डेमो देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास ए है ना, और दूसरी क्लास एक बी है। अब मुझे क्या करना है, मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए क्लास के अंदर मान लीजिए कोई डेटा है, कोई मेथड है यहाँ पे बना हुआ है, जैसे इंडेक्स जो उसको 10 करके कोई डेटा है, या वाइड शो करके कोई मेथड है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास का ये जो डेटा है ना, या ये मेथड है, इसको दूसरे क्लास में कॉल करना है, यानी कि ये डेटा, ये मेथड आपको क्लास बी के अंदर एक्सेस करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी एक क्लास का डेटा या मेथड हमें दूसरे क्लास में कॉल करना है। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी कुलदीप, आपको सुनाई दे रहा है? तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली हम क्लास ए के अंदर हमारे पास x इज इक्वल टू 10 नाम का डेटा है, या वाइड शो नाम का मेथड है, इसको क्लास बी में हमें यूज करना है। एक बार कनेक्टिविटी आपकी चली गई थी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली रीयूजबिलिटी को कोडिंग पॉइंट से इंप्लीमेंट कराना चाहता हूँ, और आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे एसोसिएशन है, कहाँ इनहेरिटेंस है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ क्लास ए की जो डेटा है, ए का जो मेथड है, वो क्लास बी में यूज करना चाहता हूँ। तो कैसे पॉसिबल है ये, मैं कैसे कर सकता हूँ, किसी एक क्लास का डेटा किसी दूसरे क्लास में मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, बताइए क्या करूँगा। अगर मुझे क्लास ए का डेटा क्लास बी में कॉल करना है तो क्या अप्रोच है, कभी किया आपने ऐसा? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लास ए का ऑब्जेक्ट हम क्लास बी में बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हम लिखेंगे इसके मेन मेथड के अंदर ए इज इक्वल्स टू न्यू ए। ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्लास बी में जो बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो ताकि ए और बी में क्या बन जाए, रिलेशन बन जाए। समझ में आ रहा है, ये रिलेशन बनाने के लिए कर रहे हो, और यही जो रिलेशन है, यही जो ऑब्जेक्ट बनाने का ये स्टेप है, यही रिलेशन हैज अ रिलेशन कहलाता है, और ऑब्जेक्ट बनाना ही एसोसिएशन कहलाता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में आप बनाते हो, दैट इज़ नथिंग बट एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन टू अनदर क्लास, बस सिंपल है। बताओ क्या आप ये नहीं जानते हो? तो ये जानते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एसोसिएशन तो पहले से जानते हो। एसोसिएशन बहुत आसान है। अब मुझे बताओ कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कौन सा हिस्सा निकाल दें, उसके बिना हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इतना हिस्सा निकाल दो तब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, माना जाएगा ये, इसे एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये इतना सेक्शन हमारा हो गया कंपोजिशन, और ये जो इतना सेक्शन, हाँ स्ट्रांग पार्ट, और ये इतना जो सेक्शन हो गया, ये वीक पार्ट हो गया। हाँ इसे बोलते हैं एग्रीगेशन। तो यानी कि एक क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल अगर दूसरे क्लास में ऐसे हम डिक्लेयर कर देते हैं, एग्रीगेशन है, वीक पार्ट है ना। और अगर हम उसका पूरा ऐसे करके इक्वल्स टू ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये पूरा एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन की तो दो कैटेगरी है, कंपोजिशन एग्रीगेशन। तो ये इतना पार्ट जो है, ये है कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ए करके, है ना, और ये इतना जो पार्ट है ए ए करके, ये हो गया हमारा एग्रीगेशन की कैटेगरी। क्लियर है या नहीं है? तो इसको मैं लेके एक रियल एक एग्जांपल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे मैं एक मान लो क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नाम की क्लास, ठीक है, एक एम्प्लॉय क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, ई एम पी नाम की क्लास। तो मैं क्लास बेसिकली यहाँ नहीं बना के क्लिफ में ही बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ई एम पी नाम की क्लास बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब ई एम पी क्लास के अंदर हम कुछ डेटा ले लेते हैं, से हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया हमने स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, से हमने यहाँ पे इंट एज ले लिया। एक एम्प्लॉय के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी, और क्या होती है, आईडी होती है, इंट आईडी हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत सारा डेटा हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को चाहे हम प्राइवेट बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। फिलहाल अभी हमारा डेटा हो गया। अब इस डेटा को, अच्छा एक एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस भी तो होता है, लेकिन एड्रेस कई चीज़ों से मिलकर बनता है।
सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह वगैरह, है ना, कई चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एड्रेस के लिए एक अलग से क्लास बना लेता हूँ। से हमने एक क्लास बना दिया ADDRESS, एड्रेस क्लास हमने अलग से बना लिया, ठीक है। और अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का एक और जो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो उसका सैलरी। तो सैलरी के लिए मैंने अलग से क्लास बना लिया, से हमने ले लिया यहाँ पे सैलरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एम्प्लॉय क्लास, एक हो गया हमारा एड्रेस क्लास और एक हमारी सैलरी क्लास। तो तीन अलग अलग क्लासेस हमने ले लिया, ठीक है, जानबूझ के। अब एड्रेस की हम बात करें तो एड्रेस कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे सिटी हो गया, स्टेट हो गया और कंट्री हो गई, हो गई नहीं हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, हाँ, CONTRY, ठीक है, TRY। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी कई चीज़ों से मिलकर बनता है, यहाँ पे हमने लिया जैसे TA हो गया, DA हो गया और HRA हो गया, समझ आ रहा है, ये कई चीज़ें हो गई, कई पार्ट हो गया जिससे हमारे यहाँ एक सैलरी बनता है मिलके। तो अब हम चाहते हैं हमारे पास ये तीन अलग अलग क्लासेस हैं, हो सकता हो तीनों क्लासेस अलग अलग फाइल में हो, ऐसा भी हो सकता है, इसमें मतलब इसको एक ही जगह भी बना सकते हो और अलग अलग जगह भी बना सकते हो। तो मैं बना के दिखाऊँ आपको, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे जैसे मैं employee.java अलग बना लो, address.java अलग बना लो, salary.java अलग बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब मैं चाहता हूँ कि employee और address को salary के अंदर यूज करना। तो अगर हम employee और address की बात करें और सैलरी की बात करें तो एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस और सैलरी आता है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन कैसा हो गया, हैज़ अ रिलेशन, नहीं हो गया, एम्प्लॉय हैज़ एड्रेस, एम्प्लॉय हैज़ अ सैलरी। तो जब हैज़ अ रिलेशन आ जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन करने से पहले मैंने क्या कर लिया, यहीं पर लिख दिया ADDRESS एड्रेस ADR, फिर लिख दिया हमने SALARY सैलरी SA। बताओ हमने अभी क्या ऑब्जेक्ट बना लिया, अभी हमने क्या किया, एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में से जो डिक्लेयर कर दे रहे हो तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेशन, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वीक पार्ट है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर तो हम एड्रेस का भी बना सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का यहाँ पे हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर, ये हम एड्रेस का भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस के लिए अलग से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे एड्रेस को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और एड्रेस के अंदर फर्दर यहाँ पे लिख देते हैं सिटी कॉमा स्टेट कॉमा और स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे देते हैं कंट्री, ठीक है। अगर ऐसे देते हैं तो ये लोकल टू ग्लोबल हो गया ना, लोकल टू ग्लोबल सेम हो गया, डेटा शेडोइंग हो गई। तो डेटा, तो यहाँ पे दिस डॉट हम लिख सकते हैं सिटी इक्वल्स टू सिटी, बात समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो सिटी दिस डॉट यहाँ पे लिखते हैं स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे स्टेट ले लेंगे STATE, ठीक है, और कंट्री यहाँ पे दिस डॉट कंट्री, ठीक है, यहाँ आ गया इज इक्वल्स टू कंट्री, ये कंट्री है, स्पेलिंग सही है यहाँ पे कंट्री की CONTRY, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कर देते हैं, ठीक है, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इस तरह से डेटा इनिशियलाइजेशन के लिए लिया जा सकता है। सेम ऐसे हमने सैलरी के लिए यहाँ पे सैलरी का कंसेप्टर बना लिया और यहाँ पे लिख दिया भाई एंड TA, यहाँ पे लिख दिया int DA, है ना, int HRA, TA DA HRA, ये सैलरी का पार्ट होते हैं। जब आप सैलरी पाओगे तो भाई आप जान जाओगे कि सैलरी जब मिलेगी तो आपको समझ आ जाएगा TA क्या होता है, ना, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ड्राइविंग अलाउंस होता है, है ना, समझ आ रहा है। तो अभी आपको मिल नहीं रहा है तो आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, जब मिलने लगेगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। हाउस रेंट के लिए मिलता है HRA जिसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ होता है पैसा, हम यही मान के चलते हैं HRA = HRA। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया एड्रेस, ये हो गया सैलरी, और दोनों के कंसेप्ट बने हुए हैं और हमने एग्रीगेशन कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे हम लेते हैं वाइड, ये मेन मेथड हो गया, स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे हम पैरामीटर ले लेते हैं,
अब हम बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे ई एम पी, ई एम पी इज इक्वल्स टू न्यू ई एम पी, ई एम पी इज इक्वल्स टू न्यू ई एम पी। और ई एम पी के कंसेटर में एक ई एम पी का कंसेटर बना ले रहे हैं, बनाया भी है यहाँ पे ऊपर। हम स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे ले लेते हैं नेम, फिर ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप में इंट टाइप में एज, ठीक है एज, और इंट टाइप में इंट टाइप में आईडी, तीन डेटा हो गया हमारा। देन हम यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, एज इक्वल्स टू एज, एंड दिस डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, ये डेटा हो गया हमारा, क्लियर है। तो ये जो हमारा डेटा हो गया नेम एज आई डी, और ये हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ से तो हम नेम पास कर देते हैं, ऐसे हमने ले लिया नेम कुलदीप, ठीक है, और यहाँ पे हम कुलदीप नेम हो गया, एज उसका ले लेते हैं 34, अभी तो हुआ नहीं है, और उसकी आईडी ले लेते हैं, हम से ले लेते हैं 555, ठीक है। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय का डेटा हो गया, और साथ ही साथ उसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं शो नाम का, इसकी इसकी इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट कराने वाले हैं। तो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय ईएमपी इज इक्वल्स टू, ठीक है, नेम ऑफ ईएमपी इज इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे उसका नेम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, एंड एज यहाँ पे लिख देते हैं एज ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एज देते हैं, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं, और आईडी स्क्रीन दिखा रही है, आईडी ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू आईडी ले लेते हैं, हाँ जी। कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रही है, बताइए। हाँ बस कुछ नहीं करा, हमारे जो एड्रेस क्लास है, एड्रेस क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, सैलरी के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस हमने एक मेथड बना लिया, एक मेथड हमने बना लिया है जिसके थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराने वाले हैं, आईडी नेम और एज, ठीक है, और ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ई पे हमने शो मेथड चलाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। लेकिन तो ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आएगी ना केवल, सैलरी और एड्रेस तो आएगा नहीं, तो सैलरी और एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी तो हमारे लिए बनाना ज़रूरी है। तो हम एक काम करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है ना, चूँकि एक ही बार चले हम ऐसा चाहते हैं, तो हमने लिख दिया न्यू ए डबल डी आर ई डबल एस, न्यू एड्रेस, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर लिखेंगे न्यू और एस ए एल ए आर वाई, ठीक है, ये सैलरी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हमें टी, सपोज करो हमने टी दे दिया 100 रुपीज़ या 1000, कुछ भी देते हैं, डी दे दिया हमने 100, है ना, और एच आर ए भी 100 दे दिया, 1000 दे दिया, ठीक है, जो भी एंटर हो गया, अच्छा। और इसी तरह से अब ये हमारा सिटी स्टेट कंट्री ना, सिटी हो गया हमारा नोएडा, स्टेट हो गया हमारा यूपी, ठीक है, और कंट्री हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिटी स्टेट कंट्री की इन्फॉर्मेशन। ये जो तीनों डेटा है, ये सारा डेटा, ये कहाँ पे जाएगा, ये एड्रेस के कंसेंटर और सैलरी के कंसेंटर में जाके सेट हो जाएगा, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा उसके अंदर चला गया, तो हमारे इस क्लास में तो है नहीं, हम तो उसको वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, हो रही नहीं हो रही है रीयूजबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर रीयूजबिलिटी हो रही है कि नहीं, ये बताइए आप पहले भाई। हमारे पास ना ही सिटी, ना ही स्टेट, ना ही कंट्री, और ना ही टी ए डी एच आर ए, ये डेटा नहीं है, वो एड्रेस और सैलरी क्लास के अंदर है। हम यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटा यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसोसिएशन, ये हो गया हमारा एग्रीगेशन, सॉरी ये हो गया एग्रीगेशन, ये हो गया कंपोजिशन, राइट। तो इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है अभी ऊपर वाले वेरिएबल में तो पहुँचा नहीं है, तो इसलिए इज इक्वल्स टू करके अगर हम यहाँ पे ए डी आर लिख देंगे तो और हमारा काम हो गया, और इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे लिख देंगे एस ए एल तो हमारा काम हो गया। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये जो डेटा है सैलरी वाला, ये जो डेटा सैलरी का है, सैलरी का डेटा एस ए एल वेरिएबल में पहुँच गया, और एड्रेस का जो डेटा है वो ए डी आर वेरिएबल में पहुँच गया। तो ये ऊपर वाले वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल है, इनका स्कोप हो गया ग्लोबल, समझ में आ रहा है। तो इसका स्कोप ग्लोबल, भाई इसको ग्लोबल बनाने का ये फ़ायदा हो गया कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो अब हम उनके डेटा को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं इंडिविजुअल। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कराएं, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डी आर डॉट, यहाँ पे लिख देंगे सिटी। तो ए डी आर ये है, और ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है,
क्लियर है या नहीं है? फिर हाँ, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो अगर मैं ऐसे इसे हटा देता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए डी आर इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, एड्रेस ए डी आर इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, ये तो क्लियर है? क्लियर है बता, ये जो ए डी आर वेरिएबल है क्या इसको मैं यहाँ यूज कर पाऊँगा? देखो यहाँ यूज कर पा रहा हूँ, आ रहा है ना एरर यहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे भाई इस मेथड में। अभी एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे है, दोनों अलग ब्लॉक है, तो जो लोकल वेरिएबल होता है क्या वो अपने ब्लॉक के बाहर जाता है, अपने 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 स्कोप के बाहर जा रहा है? तो यहाँ पे कैसे यूज कर पाएंगे? लेकिन ये हो जाएगा कैसे, अगर मैं ये चीज़ ए डी आर को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से इसको मैं कर दूँ कट, यहाँ लिख दूँ केवल ए डी आर है ना, और यहाँ पे भेज दूँ, यहाँ पे लिख दूँ ए डी आर, तो हुआ क्या? देखो हुआ ये कि एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना, इस वेरिएबल में पहुँच गया, और ये जो वेरिएबल है ऊपर यहाँ डिक्लेयर्ड है। अरे आप ऐसे नहीं लिखते हो, इंट एक्स, ये हो गया इंट एक्स और ये हो गया एक्स इजिक्वल्स टू 10, इंट एक्स ये इंट एक्स हो गया और एक्स इजिक्वल्स टू 10 हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो फिर भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आ रहा है। भाई एक चीज़ मुझे बताओ, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज करो ये एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं एम पी इजिक्वल्स टू न्यू एम पी, लिखते हैं ऐसे, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ई एम पी ई और फिर लिख दूँ ई डॉट ई इज इक्वल टू न्यू एम पी, इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसे कहीं लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है? और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ इंट एक्स और फिर लिख दूँ एक्स इज इक्वल टू 10, तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर दिया और यहाँ पे इसका इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो भाई साहब अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? ये तो लिखा गया एड्रेस ए डी आर और ए डी आर इजिक्वल्स टू न्यू एड्रेस, बताओ जहाँ मर्जी वहाँ हो, कंसेंटर के अंदर हो चाहे वहाँ, जहाँ मर्जी वहाँ हो, उससे क्या मतलब है? भाई ऑब्जेक्ट बनाना एक स्टेटमेंट है, तो ऑब्जेक्ट हम जहाँ मर्जी वहाँ बनाएं, कंसेंटर के अंदर बनाएं, हम ऑब्जेक्ट जहाँ बताओ कहाँ बनाएं, हम जहाँ मर्जी वहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता कि ऑब्जेक्ट यहीं बनेगा, मेन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जहाँ मर्जी वहाँ बना लो, ये वाली लाइन यहाँ से कट करो और ये वाला लाइन यहाँ पे भी डाल दो, ये लो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो अब बताओ। तो अब अगर दिक्कत नहीं है तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंसेंटर के अंदर भी डाला सकता है। कंसेंटर के अंदर डालने का ये फायदा हो गया कि मैं इसको एक बार चलाना चाहता हूँ, कंसेंटर ऑब्जेक्ट बनते एक बार चलेगा तो ये भी एक बार चलेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ इसलिए चला। और अगर मैं इसको यहाँ ग्लोबल बना के रख रहा हूँ तो इस ए डी आर वेरिएबल को मैं शो मेथड के यहाँ पे सिटी में यहाँ यूज कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं यूज कर पाता। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी पूछो ना, अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया ए डी आर डॉट, यहाँ पे हमने लिखा सिटी, यहाँ पे लिख दिया हमने स्टेट, नहीं आया अभी समझ में, मुझे लग रहा है ए डी आर डॉट हाँ। अच्छा ये बताओ, ये बात बताओ मुझे कि अगर मुझे एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में कॉल करना है, कि जैसे हमारी एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर एक डेटा है नेम या इंट एक्स है, ठीक है ये डेटा है, तो अगर मुझे इस एक्स डेटा को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा? हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ई डॉट एक्स ऐसे लिख देंगे, ई डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख देंगे, बताओ इस एम्प्लॉय का डेटा इस ऑब्जेक्ट से तो कॉल होगा। तो अगर अगर हमारे पास एड्रेस एम्प्लॉय क्लास कहीं और, एड्रेस क्लास कहीं और है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया ए डी आर है, ए डी आर पर तो सिटी चलाएंगे, ए डी आर पर स्टेट चलाएंगे, ए डी आर के पास तो डेटा है वो, तो ये हो गया एड्रेस। इसी तरह से हम क्या चलाएंगे, सैलरी, यहाँ पे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, पूछो आप भाई। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, देखो आप जानते थे, आप बोल रहे हैं कि हम एसोसिएशन तो जानते हैं, लेकिन हम फिर भी हमने एसोसिएशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम आपके लिए इसलिए बनाया ताकि आपको आपका दिमाग यहाँ पे खुले और आप चीज़ों को समझो कि भैया ये भी चीज़ें होती हैं। अब अगर ऐसा कर दिया जाए तो आप घबराने लगोगे, भैया ये डेटा कैसे हो सकता है, ए डी आर डॉट समथिंग ए डी आर डॉट है, वो चीज़ आपको घबराने, हाँ जी क्या अब यहाँ पे आपको क्या कराया जा रहा है आपको भी पता चल जाएगा। देखिए ये देखिए आपको भी पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये लो
ये प्रोग्राम रन हो गया। ये देखो देखो क्या आया, नेम ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू कुलदीप, ने एज ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू 30, आईडी एम्प्लॉय इक्वल टू, एड्रेस जो हो गया वो हो गया नोएडा यूपी इंडिया, सैलरी हो गई 100। एंड ये बताओ भैया वो जो चीज़ हमने लिखा है उसके साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर दिए, उसके साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है जस्ट प्रिंट कराने के लिए। कोई दिक्कत अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ। एड्रेस और सैलरी और एम्प्लॉय को लेके जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ कंपोजिशन एग्रीगेशन एसोसिएशन सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझाया, क्या ऐसे एग्जांपल आप भी लेके इसको प्रोग्राम बना सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो भाई? जैसे आप एसोसिएशन का ये प्रोग्राम आपको अगर क्लियर हो गया तो ऐसे ही एग्जांपल लेके आप एसोसिएशन को और समझ सकते हो। समझ आ रहा है? एसोसिएशन कंपोजिशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अगर हम एक बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर कई चीज़ों से मिलकर बनता है, तो कंप्यूटर कई चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे उसके अंदर हार्डवेयर होता है, में हार्डवेयर में क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, रोम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप उनकी क्लासेस, अलग अलग क्लासेस बना सकते हो, उनको फिर एग्रीगेट करके एक नया प्रोग्राम बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। या कोई और एग्जाम्पल ले लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा, व्हीकल का वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। व्हीकल वाला जो मैंने व्हीकल वाला एग्जांपल लिया था, व्हीकल एक क्लास बना लेना, व्हीकल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बना लेना, फिर उसके अंदर इसे अभी ज़रूरत नहीं है, व्हीकल के अंदर जैसे मान लो कि व्हीकल के पास हमारा होता है म्यूजिक सिस्टम, एक अलग क्लास बना दिया, इंजन एक क्लास बना दिया, उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो बना के एग्रीगेट करके और उसको यूज करना, कंपोजिशन करके उसको यूज करना है। क्लियर है? तो आपने रियूजबिलिटी का एक पड़ाव पार कर लिया। रियूजबिलिटी में आपको समझ में आ गया एसोसिएशन क्या होता है, इनहेरिट सॉरी कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है। एसोसिएशन पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट बनाना एसोसिएशन कहलाता है। यही तो वो लाइन है जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यही वो लाइन है जो जिससे रियूजबिलिटी अचीव हो रही है। बताओ ये घर दूसरा है ना, सिंपल सा मतलब है, एक घर ये वाला है, ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है। अगर इस घर से डेटा दूसरे घर में जाएगा तो इसकी चाबी तो वहाँ पे दूसरे घर में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये दो चाबी, ये दो चाबी है, ये तो अब चाबी ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी जगह बना दिया, इसका मतलब ये हो गया उसके डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा सेट कर सकते हैं, उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को कॉल कर रहे हैं, मेथड सेट कर रहे हैं, जो आप ज़रूरत है कर लो। तो पहला ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।